बेगूसराय जिला 1971 पाकिस्तान के जंग की जीत की खुशी में एक बार फिर देशभक्ति के रंग में डूब गया। 1971 के युद्ध में जीत की 50वीं साल गिरह स्वर्णिम विजय दिवस की शुरुआत पूर्व सैनिक संघ द्वारा कैंडल मार्च से हुआ। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संघ बेगूसराय के सैकड़ों सेवानिवृत्त सैनिक, जीडी कॉलेज बेगूसराय, एसबीएसएस कॉलेज के ऊर्जावान, एनसीसी कैडेट्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज के विजय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर रविशंकर सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन रामकृष्ण पाठक, संचालन सूबेदार राजाराम पोद्दार ने किया। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि संघ के अध्यक्ष ने 1971 के 8 वॉरियर्स को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कैंडल मार्च नगर पालिका बस स्टैंड स्थित पूर्व सैनिक संघ कार्यालय मेजर रविशंकर द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुरू हुआ, जो ट्रैफिक चौक होते हुए शहीद स्मारक टेढ़ी नाथ मंदिर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर समाप्त हुआ। 16 दिसंबर स्वर्णिम विजय दिवस के शुभ अवसर पर सम्मानित होने वाले 1971 के वॉरियर्स सूबेदार मेजर आरएस ठाकुर, सूबेदार घुरण महतो, सूबेदार सीताराम पंडित, सूबेदार जनार्दन पोद्दार, सार्जेंट माधव प्रसाद निराला, हवलदार भोला महतो, नायक राम सुदिष्ट सिंह, नायक आरडीएस कुशवाहा के नाम प्रमुख थे। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। आप दोपहर का लंच दिल्ली में करेंगे तो हम 8 बजे का नाश्ता ढाका में करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे। और दोपहर से पहले ही पाक के सेना ने 73,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आज उसी की स्मृति में पूरा राष्ट्र, पूरा भारत स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। उस शहीदों के नाम, उस सपूतों के नाम, उस रणबांकुरों के नाम आज इसी क्रम में हम उनको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष रामकृष्णा पाठक कहां से निकल गए यहां तक? ये कार्यालय नगर निगम बस स्टैंड से लेकर हम शहीद मुख्य रास्ते होते हुए बेगूसराय से शहीद स्मारक तक पहुंचा है। और हम पूरी जनता हमारे साथ है, वीरांगनाएं हैं, पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 71 में भाग लिया है, 71 के युद्ध में वो भी रणबांकुरे वेटरन हमारे साथ हैं और यहाँ हम उनको नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। भारत पाक युद्ध 1971 के युद्ध में जो हमें विजय हासिल हुई उसका हम स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं। और हम लोग संघ कार्यालय, पूर्व सैनिक संघ कार्यालय बेगूसराय नगर पालिका बस स्टैंड से मुख्य रास्ते होते हुए, ट्रैफिक चौक होते हुए हम लोग शहीद स्मारक पर अपने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन वीर जवानों को याद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूबेदार राजाराम पोद्दार है, मैं पूर्व सैनिक संघ का सचिव हूँ। 71 में भारत पाक युद्ध का शुरुआत 3 दिसंबर से शुरू हुआ था जो 16 दिसंबर को समाप्त हुआ। इस बीच हमारी भारतीय सेना के कमांडर जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान सेना के जनरल नियाजी, इसके बाद यह युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हुआ। भारतीय पाक के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। इसी बीच कुछ और घटनाएं हुई, जैसे बांग्लादेश के तरफ से यह भारत को संदेश आया कि 16 दिसंबर के दोपहर 12 बजे हम भारत में लंच करेंगे दिल्ली में। इस पर बातचीत हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज
स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। 1971 को आज के ही दिन 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने नतमस्तक होकर के आत्मसमर्पण किया था। यह लड़ाई 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी, जो 16 दिसंबर के उसके आत्मसमर्पण के बाद समाप्त हुआ। इस खुशी में 50वें वर्षगांठ के ऊपर हम लोग पूर्व सैनिक संघ एनसीसी के बच्चे लोग विजय दिवस के रूप में इसका आगाज किए हैं और उन शहीद जो 71 में रणबांकुरे हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग कैंडल मार्च का आयोजन बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ कार्यालय बस स्टैंड से शहीद मुख्य रास्ते होते हुए शहीद स्मारक तक हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? भवेश कुमार, मीडिया प्रभारी बेगूसराय। खानदान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।